सत्यमेव जयते, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। किसानों की जो ट्रैक्टर रैली थी, ट्रैक्टर परेड में कई सारी तस्वीरें आपके सामने आई हैं, जिनको लेकर आपके अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। और इस झूठ को परोसने में आपके सामने गोदी मीडिया पूरी तरह से कल्प्रिट है, वहीं पर पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल और भी ज्यादा बड़े कल्प्रिट है। क्या सच्चाई है? अपना ओपिनियन बनाने के लिए आपको पूरी छूट है, लेकिन एक बार सिर्फ सच्चाई सुनिए। भूल जाइए आप किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, भूल जाइए आपकी आइडियोलॉजी किसके साथ है, भूल जाइए आपका धर्म क्या है, भूल जाइए आप किस जाति के हैं, भूल जाइए आप कौन से राज्य से आते हैं, भूल जाइए आप किसान हैं कि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप सच देखना चाहते हैं कि आखिर सच क्या था, बिना किसी बायस के, तो आप ये मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। सच सुनने की और जानने की हिम्मत अगर नहीं है तो प्लीज मत देखिएगा, खामखा मेरे व्यूज मत बढ़ाइए। मुझे कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझे शौक है। सिर्फ सच मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो गोदी मीडिया कतई आपको नहीं दिखाएगा। और गोदी मीडिया है जिसने आपको भ्रमित कर रखा है, आपका कसूर नहीं है। लेकिन सच जानने के बाद भी अगर आप भ्रम में रहेंगे तो जरूर आपका ही कसूर है। सबसे पहला भ्रम जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, मैं हर तरह की बात करूंगी लेकिन सबसे पहले बात आपको करती हूँ। एक तस्वीर आपको दिखाई गई लाल किले पर, जब आंदोलनकारी पहुंच गए उसके बाद उन्होंने एक झंडा लहराया, एक झंडा उस पर हॉइस्ट कर दिया। पहली बात, लाल किले पर ऐसा कोई भी झंडा जो तिरंगे के अलावा हो वो नहीं हॉइस्ट करना चाहिए और नहीं हॉइस्ट हो सकता है। पहली चीज मेरी ये बात आप बिल्कुल गांठ बांधकर बैठ जाइए, फिर आप किसी धर्म से हो कुछ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देश का झंडा ही वहां पर लहराना चाहिए। लेकिन अब इस तस्वीर में आपके सामने इस सच्चाई को किस तरह से परोसा गया, जरा वो बात मैं आपको बता दूं। आपके सामने इस एक तस्वीर को लेकर तीन झूठ बोले गए, एक साथ तीन झूठ। पहला झूठ आपको यह बोला गया कि तिरंगा हटाकर झंडा लगाया गया। दूसरा झूठ आपको बोला गया कि जो पहले एक और तिरंगा वहां पर लगा हुआ है उससे भी ऊपर यह झंडा लगाया गया। और तीसरा झूठ आपके सामने बोला कि ये खालिस्तानी झंडा लगाया गया। अब इसमें तीनों ही झूठ आपको तस्वीरों से साफ हो जाएंगे अगर आप इतना करेंगे, देखेंगे। लेकिन सिर्फ गोदी मीडिया को बिलीव करेंगे या नैरेटिव्स को बिलीव करेंगे तो नहीं होगा। तस्वीर में जिस जगह पर ये झंडा लगाया गया वो जो पोस्ट था वो बिल्कुल खाली था, वहां पर पहले से कोई तिरंगा नहीं था। और लाल किले पर जो हमेशा एक तिरंगा लहराता रहता है वो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो पहली बात, कोई तिरंगा नहीं हटाया गया। दूसरी बात, तिरंगे से ऊपर लगाया गया ये हो ही नहीं सकता, जब मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर जो लाल किले पर तिरंगा है वो पहले से ही लगा हुआ है, तो वो झंडा उसके ऊपर हो ही नहीं सकता। तीसरी बात कि ये खालिस्तानी झंडा है। अब यहाँ देखिए, ये झंडा धार्मिक झंडा जरूर है, ये निशान साहिब का झंडा है। और अगर ये खालिस्तानी झंडा है फिर तो हर गुरुद्वारा फिर खालिस्तानी हो जाएगा, क्योंकि यही आपको निशान वहां पर भी दिखाई देंगे, यही निशान साहिब का आपको झंडा हर गुरुद्वारे के बाहर दिख जाएगा, तो क्या वो खालिस्तानी हो गए? धार्मिक झंडा हो सकता है, उसके मतलब कुछ और हो सकते हैं। वो झंडा वहां लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इसको लेकर आपके ओपिनियन हो सकते हैं। कोई भी धार्मिक झंडा नहीं लगना चाहिए था, इस बात को लेकर मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी मैं उसी मेंटेन करती हूँ। लेकिन इसी तरह से आपके सामने ये परोसा नहीं गया, ये नहीं आपको बताया गया कि लाल किले पर एक धार्मिक झंडा नहीं फहराना चाहिए था। आपको झूठ बोला गया कि तिरंगा हटा दिया गया, तिरंगे से ऊपर उसको प्लेस कर दिया गया, खालिस्तानियों ने अपना खालिस्तानी झंडा वहां पर फहरा दिया। इससे क्या होता है, आप भ्रम ज्यादा पैदा करते हैं और आप नफरत के बीज अपने अंदर लेकर बैठना शुरू करते हैं, जो इस गोदी मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज के काम है आपके अंदर ये सारी चीजें भर देने का, ताकि फायदा किसको हो आप समझते हैं। फिर मैं बोल रही हूं, धार्मिक झंडों की जगह नहीं है लाल किले पर, तिरंगा ही वहां पर फहरना चाहिए और तिरंगा ही फहराना चाहिए। लेकिन कौन सी पार्टी ये बात बोल रही है? ये पार्टी जो अपना झंडा तिरंगे से ऊपर हमेशा लगाती है, दिख जाएंगे आपको ये भी तस्वीरें वायरल हो रही है और फैल रही है आपके सामने। उस पार्टी को आज तिरंगे के अपमान का फर्क पड़ रहा है? जो तिरंगा कभी हाथ में लेना नहीं चाहती थी वो तिरंगे के नाम पर आपके अंदर नफरत के बीज बो रही है? बोल कौन रहा है? आप बोले हम बोले समझ में आता है, ये कौन बोल रहा है? दूसरी चीज, और ये नैरेटिव खालिस्तानी नैरेटिव कहां से आया? सोचिए,
जिसको दुश्मन मानते हैं पाकिस्तान, वो तो चाहता ही है इस तरह के हमारे देश में नफरत के बीज बोए जाए, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान को लोग, हमेशा पूरा विश्व इस बात को लेकर कोसता है, चिढ़ाता है कि तुम अपना एक धार्मिक देश बनाने चले थे और तुम अपने ही धर्म के लोगों को, अपना ही धर्म का टुकड़ा अपने पास नहीं रख पाए। और भारत को देखो कैसे अलग अलग धर्मों को एक साथ इतने शांतिपूर्ण ढंग से, भाईचारे के साथ, प्यार के साथ रखता है। वो तो चाहता ही हमारे देश में ऐसे नैरेटिव फैले। तो सबसे पहला खालिस्तानी नैरेटिव, खालिस्तानी मांग हमारे देश में उठे, ये तो सबसे पहली मांग पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान ने अपने आईटी सेल के बलबूते इस नैरेटिव को फैलाया, और सोचिए इसको लपक कर लिया किसने, हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आईटी सेल ने सबसे पहले उस नैरेटिव को लिया और फिर रेवड़ी की तरह बांट दिया अपने सारे, वो भी लग गए, पता तो किसी को कुछ है नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कार्रवाई उनके खिलाफ होगी नहीं। अब किसी के धर्म को आपने खालिस्तानी बोल दिया, किसी के आपने धार्मिक चिन्ह को खालिस्तानी बोल दिया, क्या एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो उनको पता है कोई एक्शन होना नहीं है, तो धड़ल्ले से झूठ बोलिए, क्या फर्क पड़ता है, आप तक तो पहुंच गया ना वो झूठ। उनके पास इतनी बड़ी एक मशीनरी है, उनके पास एक हथियार के रूप में अपना चैनल है, वो आप तक ये सारी चीजें परोस देते हैं, इतनी सारी रीच है उनकी, आप तक पहुंच जाती है। तो ये है जो कि हम दूसरों का, दूसरे देश का, दुश्मन देश का एजेंडा अपने देश में कैसे खुद फैलाते हैं और उसका एक भाग बन जाते हैं, बिना सोचे समझे, बिना जाने की सच्चाई क्या है। दूसरी बात, आपको तरह तरह के तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, काट काट के तस्वीरें दिखाई जा रही है। मैं खुद उस ट्रैक्टर परेड में हिस्सा थी, नांगलोई वाले जगह पर। जी हाँ, कई किसानों ने अपने ट्रैक्टर मोड़ लिए, जो उनको डेजिग्नेटेड रूट दिया गया था वहां से वो निकले। कुछ ट्रैक्टर्स थे जो नहीं अपने डेजिग्नेटेड रूट पर जाना चाहते थे और वो उन्हीं बैरिकेड्स को तोड़कर निकलना चाहते थे। तो हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगी और मानूंगी कि जिस भी तरह की बाधाएं उनके सामने रखी गई थी वो उन्होंने तोड़े, वो अवरोध को उन्होंने हटाया, लेकिन पुलिस की आंखों के सामने, और पुलिस ने उनको उस वक्त नहीं रोका। शायद पुलिस चाहती थी कि पहले ये तस्वीरें सामने आए, उसके बाद फिर उनका एक्शन जो हो, फिर वो जस्टिफाइड लगे। अवरोध जब तोड़ा जा रहा था तभी पुलिस ने नहीं रोका। तो एक एक करके, चाहे ट्रेलर्स हों, चाहे वहाँ पर बैरिकेड्स हों, हर चीज़ उन्होंने हटाते चले गए और फिर आगे तक बढ़े। जब वो आगे तक बढ़े उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू किए, जिसके बाद आपने मेरी भी तस्वीर देखी थी, हम सब लोग वहाँ से वापस की तरफ आ रहे थे कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये सब काम उन्होंने पहले नहीं किया था। तस्वीरें आपके सामने हर तरह की हैं, पुलिस ब्रुटैलिटी की भी हैं और पुलिस पर हो रही ब्रुटैलिटी की भी हैं। ये दोनों तस्वीरें देखना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही तस्वीरें हमें शर्मसार करती है। हम जय जवान जय किसान बोलते हैं और ये दोनों ही तस्वीरें हमें दिखाती हैं कि कैसे जवान और किसान को इस देश की नीति ने आपस में लड़ा दिया, इस देश में एक अहंकार के वजह से आपस में लड़ा दिया, और दोनों को देखकर जय की जगह भय हमें महसूस हो रहा है। एक तरफ आप देखेंगे जहां पर पुलिस के ऊपर देखिए इस तरह से लाठी चार्ज किया जा रहा है, जितने हैं ये सब उपद्रवी हैं, गुंडे हैं, जितने लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं उनमें से कोई किसान है या किसान नहीं है? मैं तो उसको किसान के रूप में देखना भी नहीं चाहूंगी, और अगर वो किसान है और फिर वो उपद्रवी है तो वो और भी ज्यादा कलंकित करने वाला है। 2 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे और उसके बाद अगर ये इस तरह से आपका आपा खोता है तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे आंदोलन का, और फिर 2 महीने की वो वाहवाही लूटने का। तो ये देखिए पुलिस के साथ बर्बरता कैसे हुई। पर इस तस्वीर में भी एक सवाल है, जिस सवाल पे मैं थोड़ी देर में आऊंगी, लेकिन इसके साथ अब एक दूसरी तस्वीर देखिए आप। ये कौन सी ब्रुटैलिटी है? ये भी तो ब्रुटैलिटी है। किस तरह से एक शख्स को लगातार एक के बाद एक पुलिस वाले डंडों से पीटते जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिख रही हैं जब ट्रैक्टर आ रहे हैं, और ट्रैक्टरों पर देखिए किस तरह से लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया। तो तस्वीरें इस तरह की दिख रही हैं हर जगह पे, कि जहां पर भी पुलिस फोर्स ज्यादा थी वहां पर ट्रैक्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज करने में वो कामयाब हुए, आंसू गैस के गोले छोड़कर उन लोगों को वहां से खदेड़ने में वो कामयाब हुए। कईयों का आरोप है कि इन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपने रूट बदल दिए, इसलिए इस बात की कंफ्यूजन हुई, हम वहीं पर जाना चाहते थे, हमें लेकिन रोका जा रहा था जो हमारा डेजिग्नेटेड रूट है। कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन जिस तस्वीर में पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्या इसमें सवाल ये नहीं किया जाना चाहिए कि यहाँ पर पुलिस फोर्स की इतनी कमी क्यों थी? इट वॉज द मेन पार्ट ऑफ दिल्ली, यहाँ पर पुलिस फोर्स की इतनी कमी क्यों थी? वो भी तब, अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ी, वो भी तब जब इंटेलिजेंस एजेंसीज सोमवार को ही बता चुकी थी दिल्ली पुलिस को
कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, याद रखिएगा ये शब्द, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने शब्द का इस्तेमाल किया असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स, दे डिड नॉट से दैट द फार्मर्स विल बी डूइंग इट, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसान ऐसा करेंगे, उन्होंने कहा कि किसान के इस परेड में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि भाग ले चुके हैं और उसके बाद वो उपद्रव मचा सकते हैं और शांति भंग करने की कोशिश किस नाम पे करेंगे कि जो उनको रूट दिया गया है वो उसे फॉलो नहीं करेंगे और उस रूट से हटकर जब वो जाने की कोशिश करेंगे तब ये शांति भंग होगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये तो बताया था, दिल्ली पुलिस ने क्या किया? वहीं पर जहां सबसे ज्यादा शांति भंग होती हुई आपको नजर आई है, जहां पर एक किसान की मौत भी हो गई, कई पुलिस वाले घायल हुए हैं और एक किसान की मौत हुई, कई किसान घायल हुए हैं, जहां पर आपने सब हरकतें होती हुई देखी, वहां पर पुलिस फोर्स कम क्यों थी? क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर था या इंटेलिजेंस के बताने के बावजूद आपने एक्ट नहीं किया और क्यों नहीं किया? ये सवाल पूछने में हमारी गोदी मीडिया बहुत घबराती है, बहुत डरती है। किससे डरती है मुझे नहीं पता, लेकिन गोदी मीडिया के पास ये बहुत वाजिब सवाल है, उसको ये सवाल ना पूछना पड़े इसलिए लगातार उसने लूप में एक नैरेटिव आपके सामने चला दिया कि ये किसान ही नहीं है। क्या ये किसान है? तस्वीरें इनके कैमरे पर है, सबकी सामने है, पता तो लगाकर आओ। जिनमें से एक शख्स जिसकी कैमरे पर तस्वीर है उसके बारे में सब लोग चुप बैठे हैं, कौन है वो शख्स? दीप सिद्धू। अब ये दीप सिद्धू कौन है? दीप सिद्धू सबसे पहले इस आंदोलन में नजर आए थे जब बहुत ही फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे। हम सब भी सोच रहे थे ये कौन किसान है जो कि फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो कोई एक्टर थे, बाद में पता चला कि ये तो एक्टर है। थोड़े दिनों बाद उनके बहुत ही खराब, देश को तोड़ने वाले विचार पता चले और जब उनके देश को तोड़ने वाले विचार पता चलने लगे तो किसानों ने उन्हें अपने आंदोलन से साइड कर दिया। इस बीच में आपने दीप सिद्धू को नहीं देखा होगा, इस बीच में आपने दीप सिद्धू के बयानबाजी आते हुए भी नहीं देखी होगी, वो कहीं कोने में साइड हो चुके थे, शायद वो इंतजार इस दिन का कर रहे थे, किसके कहने पर कर रहे थे। उस शख्स की तस्वीर उसके खुद के फेसबुक लाइव, फेसबुक वीडियोज, इन सब में है, लेकिन तब भी उसके ऊपर सब लोग चुप बैठे हुए हैं। वो शख्स है जिसने जाकर वहां पर झंडा फहराया, वो शख्स है जिसने ये सब कुछ किया, लेकिन आपके सामने क्या पेश किया जा रहा है कि देखिए किसान वहां पर पहुंच गए, देखिए कैसे बल लेकर वहां पर पहुंच गए। वहीं की तस्वीर आपको एक और दिखाती है जब एक बुजुर्ग सिख किसान वहां पर सब लोगों को जो कि ऊपर चढ़ गए हैं उन सबको समझाते हुए नीचे बुला रहे हो, फिर क्या कहते हैं गौर से सुनिएगा, इससे अपना ही नुकसान कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो, ऐसे समझा रहे हैं। पर ये गोदी मीडिया में आपको सुनाई नहीं देगा, यहाँ सुनिए। तो ये सारी तस्वीरें आपके सामने नहीं आएंगी। अब जरा दीप सिद्धू को ही देख लीजिए, पहले तो उसने अपना फेसबुक किया, लगातार जस्टिफिकेशन पे जस्टिफिकेशन वो आदमी दिया जा रहा है। ये दीप सिद्धू कौन है जो 2019 में सनी देओल के इलेक्शन कैंपेनिंग में हिस्सा रह चुका है? सनी देओल, मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि सनी देओल खुद कह चुके हैं कि दीप सिद्धू तो उनके छोटे भाई जैसा है। दीप ने ऐसे जानने काफी साल तो इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी एंड ही वांटेड टू शो हिज इंटरेस्ट वांटिंग टू जॉइन फिल्म्स। इसके अलावा सनी देओल के साथ ही ये तो नरेंद्र मोदी से जाकर मिल चुके हैं। आप या मैं जाकर नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं? इससे अमित शाह से मिल सकते हैं क्या? दीप सिद्धू मिल सकते हैं? यानी दीप सिद्धू कौन है? बीजेपी की कैंपेनिंग में क्या आप, मैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे? अगर लेंगे तो यानी कि आप उस पार्टी के साथ हैं या फिर आपकी आइडियोलॉजी उस पार्टी के साथ है, कुछ तो है। लेकिन सनी देओल की गाड़ी के ऊपर, जो कैंपेनिंग की गाड़ी है, जो कैंडिडेट है एमपी के लिए, उसकी गाड़ी पर आप कब चढ़ सकते हैं? जब आपका उसके साथ कोई नाता हो या आप उसके भरोसे वाले शख्स हो। ये तस्वीरें देखिए, पूरे परिवार के साथ आपको दिखेंगी दीप सिद्धू की। दीप सिद्धू जब ये सारी हरकतें करके आ गए और जब वापस आके फिर ट्रैक्टर पे बैठे और ट्रैक्टर पे बैठ के अपनी वाहवाही के लिए एक वीडियो बना रहे थे, उसी वक्त उनको बाकी सिख किसानों ने घेर लिया और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये भी कहा हम 2 महीने से बैठे हुए शांतिपूर्ण ढंग से, तो क्यों किया? जब दीप सिद्धू ने समझा कि भाई ये तो मामला पूरा गड़बड़ हो गया है, यहां पर मैं पिट भी सकता हूं, इस बात को समझते हुए वहां से चुपचाप निकलना शुरू हो गए। और जब चुपचाप निकलना शुरू हुए तो भागना शुरू हो गए और फिर देखिए पीछे उनको किस तरह से भाग भाग के पकड़ते हुए, गाली देते हुए उन्हें रोकने की कोशिश। लेकिन दीप सिद्धू मुड़ कर नहीं आए, रुके नहीं।
तो दीप सिद्धू भागे क्यों? क्या ऐसी बात थी जो कि दीप सिद्धू जिससे बचना चाह रहे थे, जिसमें फंस सकते थे, अपने ही लोगों के बीच में फंस सकते थे? दीप सिद्धू जब एक एक्टर, एक हीरो के नाते कहीं पर अपनी प्रमोशंस के लिए जाते हैं या फिर हीरो बनने के लिए, हीरो दिखने के लिए जाते हैं, तो वो पगड़ी नहीं पहनते। जब भी वो किसान आंदोलन में दिखाई दिए, वो हर बार पग पहने हुए दिखाई दिए। क्यों? अपने लोगों के बीच में अपना पन दिखाने के लिए, उनके नाम पर ऐसी हरकत करके वहां से खुद तो आसानी से निकल जाने के लिए और उनको बदनाम करके जाने के लिए तो नहीं किया गया? लाल किले पर ऐसे दिन पर जहां हर जगह पर पुलिस फोर्स है, क्या आप और हम घुस सकते थे लाल किले में? ऐसे इतनी आसानी से दीप सिद्धू कैसे घुस गए और इतनी आसानी से एस्केप रूट दीप सिद्धू को कैसे मिल गया, कैसे निकल के चले गए? दीप सिद्धू को किसने वहां पे प्लांट किया? इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़िएगा जहां पर ये लिखा हुआ है, बताया गया है कि कैसे 24 घंटे पहले से हार्ड लाइनर्स ने सिंगू बॉर्डर पर इस पूरे किसान आंदोलन को कैप्चर करना शुरू कर दिया था और ऐसी बातें कहकर भड़काना शुरू कर दिया था कि रूट को फॉलो ना किया जाए। वो ये लगातार बोलते रहे, जिसमें कि दीप सिद्धू ने ये बात कही कि जो हमारे किसान नेता हैं ये सब झुक गए हैं, ये झुक रहे हैं और इसीलिए इनके आगे हमें नहीं झुकना है। अब आप देख लीजिए, ये दबे जा रहे हैं। शुरुआत में कुछ कह रहे थे, बाद में कुछ कह रहे थे, जबकि किसान नेता लगातार पुलिस के साथ, सरकार के साथ बातचीत करते हुए एक डेजिग्नेटेड रूट पर आपस में सहमति बना रहे थे। उसी पर वो चाहते थे कि बाकी लोग निकले। और बिल्कुल वाजिब सी बात है, मैं भी वहां पर थी, नांगलोई में थी ना मैं, आप लोग भी अगर आते तो आप देखते पूरा सब कुछ तो खुला है, कोई उसमें आ सकता है, बीच में कोई वहां से कुछ भी करके निकल सकता है और नाम किसका लगना है? बहुत जाहिर सी बात है, इतना बड़ा, इतने सारे लोग आ गए, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व आते हैं जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज खुद मान रही है कि आने वाले, वो आकर सब कुछ करके चले जाते हैं। ये तो पूरा एकदम शीशे की तरह साफ है कि ये क्यों किया गया है और किस लिए किया गया है और आखिर ये क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, इसकी जांच तो सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, इसकी जांच तो सिर्फ पुलिस कर सकती है। तो क्या ये लोग उस तरह से जांच करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि वल्चर जर्नलिज्म तो बहुत चल रहा है। आज ये किसान है, कल को ये आप हो सकते हैं, आपको भी इसी तरह से नोच खाएंगे लोग। सच्चाई के साथ हमेशा रहें, सिर्फ सच जानने की कोशिश करें। अपना ओपिनियन बनाना आपका अपना अधिकार है, अपनी आइडियोलॉजी के साथ भी रहना आपका अपना अधिकार है, लेकिन अंधभक्त होना कतई हमारे देश के हित में तो नहीं है। तिरंगे का सम्मान करना सीखिए, देश का सम्मान करना सीखिए, और देश हमारे देशवासियों से बनता है, देश किसी एक पार्टी से नहीं बनता है, देश किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, और देश बहुत हद तक सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में किसानों से बनता है। किसानों की एक मांग है, उनको लगातार आप खालिस्तानी आतंकी कहना शुरू करेंगे तो ये नहीं हो सकता। और इसको एक कौम की लड़ाई बनाने की कोशिश क्यों की गई 26 जनवरी को एक धार्मिक चिन्ह वहां पर लगाकर झंडे के रूप में? समझदार हैं तो समझ गए होंगे, किसको फायदा होता है समझदार हैं तो समझ गए होंगे, किसका नुकसान हुआ समझदार हैं तो समझ गए होंगे ना, नहीं है तो कभी नहीं समझेंगे। सत्यमेव जयते।